नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल हमास युद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है और अमेरिका रक्षा विभाग ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में 3 मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये मिसाइल यमन में दागी गई थी। अमेरिका का कहना है कि हूती विद्रोहियों ने इसराइल को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसे उसकी नौसेना ने लाल सागर में इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। तो बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हमास इसराइल युद्ध में ईरान का बड़ा खेल। ईरान समर्थक हूती का इसराइल पर हमला। ईरान की सेना का हाथ हूती के साथ। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। पश्चिम एशिया के हर देश में इसराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ आग लगी हुई है और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है ईरान। ईरान के समर्थक संगठन पश्चिम एशिया में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब हूती। ईरान ने इसराइल से बदला लेने के लिए इन तीनों संगठन को एक्टिव कर दिया है। युद्ध के 14वें दिन हूती यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल में मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हूती विद्रोहियों ने यमन की जमीन से इसराइल में 3 मिसाइलें दागी। इस मिसाइल को लाल सागर में खड़े अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने इंटरसेप्ट किया और एक एक कर तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हूती विद्रोहियों का महायुद्ध में अचानक से एक्टिव होना खतरे की घंटी है, क्योंकि हूती विद्रोहियों की एंट्री से यह युद्ध अब यमन तक फैल सकता है। अमेरिका की नौसेना कभी भी हूती विद्रोहियों पर बड़ा स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से युद्ध में हूती विद्रोही क्यों शामिल हो गए? क्या ईरान के इशारे पर हूती विद्रोहियों ने इसराइल को निशाना बनाया? हूती जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरानी डिजाइन और तकनीक की है। ईरान पर आरोप है कि उसने यमन की सत्ता पलटने के लिए हूती विद्रोहियों को समर्थन किया। यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, जिसने 33 सालों तक यमन में राज किया। सुन्नी समर्थक सालेह सरकार को हटाने के लिए ईरान ने हूती विद्रोहियों का समर्थन किया। हूती विद्रोहियों में ज्यादातर शिया लोग हैं। 2017 में अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप हूती विद्रोहियों पर लगा। हूती विद्रोहियों पर सऊदी अरब और यूएई को भी अस्थिर करने का आरोप है। यमन में शांति समझौता करने के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल कुएं पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। हूती की सेना में यमन के कई पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। इसे अंसर अल्लाह के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यमन में 60% सैनिक हूती विद्रोहियों के साथ जुड़े हैं। हूती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2,00,000 की सेना है। यमन के एक तिहाई इलाके पर हूती का कब्जा है। हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार और ट्रेनिंग की सहायता है। सेना के ये जवान टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने में सक्षम हैं। अब हूती विद्रोहियों ने अपने मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। हमास इसराइल युद्ध के बीच ईरान और सऊदी अरब के नेता करीब आए हैं। दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इसराइल के हमले से फिलिस्तीन को बचाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। मतलब साफ है कि पश्चिम के देश इसराइल को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी हूती विद्रोहियों का एक ही नारा है, अमेरिका और इसराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की विजय। हूतियों की सनक का नतीजा है कि हमास इसराइल युद्ध अब पश्चिम एशिया में फैलता दिख रहा है। पश्चिम एशिया की यह चिंगारी भड़की तो विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है।